गया है एमपी अब तक का खबर भोपाल से, जहां नरेला विधानसभा इलाके में अवैध कॉलोनियों पर मंत्री सारंग ने सख्त तेवर दिखाए हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने नरेला में अवैध कॉलोनियों का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों को लेकर नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने पटवारी और आरआई को जमकर फटकारा, कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए। मंत्री विश्वास सारंग को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, नरेला में इस अवैध कॉलोनी का निरीक्षण किया है और पटवारी और आरआई को फटकार भी लगाई है। ये बताओ ये कैसे बन गया, यहाँ का वो मैसेज नहीं जाएगा। पवन सिंह जी यहाँ अपने को दिख रहा है, ये देखो पूरी तो ये ब्लैक कॉटन साइज में काट के दे देते हैं, ना डेवलपमेंट करेंगे, ये गरीब लोग बेचारे परेशान होंगे। तीनों डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट बैठ के बात करिए और ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो चला गया सरकारी जमीन उस पर कब्जे हो गए, ये बताओ ये कैसे बन गया। भोपाल में करप्शन के मामले में कुलपति ने इस्तीफा दिया है। RGPV के कुलपति सुनील कुमार ने इस्तीफा दिया। सरकार ने कुलपति को हटाने के संकेत दिए थे। विश्वविद्यालय के पैसों के हेरफेर का आरोप लगा है, पैसों का निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है। विद्यार्थी परिषद ने विरोध में धरना दिया था। गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद जांच समिति बना दी गई थी। जांच में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद FIR दर्ज हुई थी। गुना हवाई अड्डे पर विमान क्रैश हो गया। सागर से आ रहा था विमान, आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति विमान के पायलट ने मांगी थी लैंडिंग करते समय, लेकिन विमान का बैलेंस बिगड़ गया। महिला पायलट के जख्मी होने की जानकारी मिली है। ये जो विमान था वह रनवे से आगे गोपालपुरा की तरफ चला गया और गुना हवाई अड्डे पर विमान क्रैश हुआ है। खबर भोपाल से, जहां पुलिसकर्मी को लोन ऐप से ब्लैकमेल करने वाले 3 आरोपी मुंबई से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ठगों ने पुलिसकर्मी को 50,000 का लोन देकर ब्लैकमेल किया और 14,00,000 रुपए ले लिए। फिलहाल लोन ऐप कहां से चलाया जा रहा था, पैसों का ट्रांसफर कहां होता है, इसे लेकर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी से भी पैसों का हवाला होता है। बहरहाल दोनों ही एंगल से क्राइम ब्रांच इस मामले में जांच कर रही है। इसमें फिलहाल ये एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें जितने भी लिंक्स मिल रहे हैं वो भी इंडिया के अंदर के ही हैं। चाइनीज लोन ऐप वाला जो मामला होता है वो भी ऐसा ही होता है, उससे अभी इसका कोई लिंक क्रिएट नहीं हुआ है। ये कॉल सेंटर्स जो क्रिएट हुए थे, जैसे कि आपको पता होगा रातीबड़ वाला जो एक मामला हुआ था जिसमें चाइनीज लोन ऐप के माध्यम से परेशान करने के बाद एक परिवार ने आत्महत्या की थी,